हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग का टाइम है और आजकल अभी क्या हो रहा है ना कि मैं 4:30 में जग जा रही हूँ, क्योंकि घर का भी काम रहता है, यहाँ का भी काम रहता है। गाँव जाती हूँ, वहाँ का भी घर का काम कुछ चल रहा है, तो वहाँ का भी कुछ कुछ काम रहता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ इसलिए ना, क्योंकि वहाँ पर अभी जैसे कि बहुत ही मैसी सा काम हो रहा है। बहुत ही घर द्वार जो है ना सो मैसी सा है, मतलब बिखरा हुआ है। तो इसके वजह से आप लोगों को मैं वहाँ का मतलब कि नहीं दिखाती हूँ, पर बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और 4:30 में उठ करके हस्बैंड के साथ डिस्कशन होता है हम लोगों का, दोनों का मिल करके, कि आज क्या क्या काम रहेगा, आज कहाँ पर क्या काम करवाया जाएगा, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, या फिर कहाँ पे हॉल में जो भी काम रहता है क्या काम करवाया जाएगा, वही सब डिस्कशन होता है। तो 4:30 से 5 तो ऐसे ही हो जाता है डेली ही मेरा। और उसके बाद मैं 5 बजे यहाँ पे आ गई हूँ। जो भी फ्रीज में दूध था वो दूध को मैं इकट्ठा करके, अलग अलग जो कटोरे में था ना, सो वो सबको इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं दूध को जाल मतलब कि जोरन डाल दी दही जमने के लिए, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड को मतलब कि दही अच्छा लगता है खाना, ताज़ा दही, तो उसको भी मैं जमा करके लेते जाऊंगी। क्योंकि अभी दोपहर का खाना ना आज टिफिन पैक करके ही लेते जाऊंगी। मॉर्निंग का तो नाश्ता यहाँ पे होगा, पर दोपहर का जो खाना रहेगा सो वहाँ होगा। तो यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ घर के साफ सफाई में। और मॉर्निंग में जो डस्टिंग का था, क्लीनिंग का काम था, जैसे झाड़ू पोछा था, वो सब मेरा ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ इस रूम में बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ, और जो कुछ कपड़े हैं जो कि 2-3 दिन का कपड़ा धोया हुआ रह गया था, तो वो सब भी मैं क्या कर लूँगी ना कि तय लगा के रख लूँगी। अभी सुबह में जैसे कि टाइम है, अभी तो करते के 5:30 से हो ही रहा था, तो सोची कि चलो ये सब काम निपटा देती हूँ लगे हाथ, उसके बाद में किचन में जा कर के नाश्ते उस्ते की तैयारी करूँगी, फिर दोपहर का खाना का कुछ मैं तैयारी कर करके यहाँ से निकल जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े लगा दे रही हूँ तय लगाने के लिए, मतलब कपड़े लेकर के आ गई हूँ तय लगाने के लिए। और यहाँ पर ये जैसे बेडशीट चेंज की ना, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे कपड़े में तह लगा रही हूँ। उसके साथ आ गई हूँ यहाँ पे, ये फूल में जो पानी है देने का ना, वो पानी मैं दे दे रही हूँ। और साथ में आंगन में भी इसी तरह से पानी छीट करके ही, मतलब कि पाइप से ही धो ले रही हूँ। आज ना मेरा मन नहीं कर रहा था कि जैसे झाड़ू देकर पानी देकर जो धोती हूँ ना उस तरह से धोऊँ, तो बस इसी तरह से पानी दे करके धो ली, फूल में भी पानी दे दी। और अभी क्या है ना, गर्मी का समय है ना, तो इससे क्या हो रहा है ना कि फूल सब जितना भी है ना सो सूख जा रहे हैं, मुरझा जा रहा है। सुबह में भी देखती हूँ तो मुरझाया हुआ रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है देख करके। तो इसलिए मैं सुबह में और शाम में जब घर से आती हूँ ना, तभी मैं क्या करती हूँ कि पानी फूल में दे देती हूँ और सुबह में भी दे देती हूँ। बस यहाँ पर कुछ डब्बे थे जो कि खाली थे किचन का, तो बस उसको मैं साफ़ कर ली। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज पास्ता, पास्ता अपने लिए बना रही हूँ, और घर में जैसे कि ले करके जाऊँगी, दीदी को भी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा उनके लिए भी ले करके जाऊँगी। हस्बैंड तो खाएंगे नहीं पास्ता, तो उनके लिए मैं सत्तू भर के पराठे बना लूँगी और थोड़ा सा झींगी और चना डाल करके, मतलब चना गोटा चना डाल करके यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा दे रही हूँ। वही रेगुलर मसाले और 5 फोरन का फोरन दे करके सिंपल सा जो सब्जी बनाती हूँ, बस वही सिंपल सा सब्जी बना ले रही हूँ। और साथ में उधर मैं दूध चढ़ा दी बॉयल होने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि दूध का थोड़ा सा पनीर बना लूँगी। तो बस यहाँ पे सब्जी तैयार है। और थोड़ा सा मैं चटनी पीसी आम और पुदीने का, तो वो सब चटनी मैं पीस लिए, उसी में मैं प्याज अदरक हरी मिर्च लहसुन ये सब डाल करके सोची कि थोड़ा सा एक बार मतलब कि मशीन में चला दूँगी, मिक्सी जार में रख करके, तो थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा, पर वो ना पूरा पेस्ट जैसा हो गया। पर हाँ, फ़ायदा ही हो गया ना कि पेस्ट जैसा हो गया। सत्तू जब तैयार की ना, तो बहुत ही यम्मी वाली सत्तू का पराठा बन गया था। तो पीस करके भी बन सकता है, मैं नहीं जानती थी, पर इस बार मतलब कि धोखे में ही सही प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च ये सब पीस करके ही डाल दी, तो अच्छा लग रहा था पराठा। बस यहाँ पे पराठे तैयार कर ले रही हूँ, उसके बाद में हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, और मेरा तो जैसे कि पास्ता है तो वही मैं खा लूँगी। बेटा क्या कर रही है मेरी बेटू, भूख लगा है क्या? हाथ मोबाइल नहीं पकड़ेगी, क्या हुआ बेटू, भूख लगा बेटा? हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा इसी में ये बैठी हुई है, ये इसमें का जो दाना आया था ना इसका खाने का, तो खा ली और इसी में ये
आराम भी फरमा रही तो है। मैं इसको पूरे घर में खोज रही थी और ये कार्टून में बैठी हुई थी, ये भी ना हद करती है। तो बस यहाँ पे मैं मुंह धो करके नहा करके पूजा कर चुकी हूँ और फिर से आ गई हूँ किचन में। और घर जाने के लिए जैसे कि पराठा बनाऊंगी ना, तो मेरा मन किया कि झींगे का सब्जी तो है ही, थोड़ा सा आलू का भुजिया भी बना लेती हूँ, क्योंकि प्लेन पराठा भी मैं दो बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं आलू का भुजिया बना ले रही हूँ। और हस्बैंड के फरमाइश था कि थोड़ा सा मीठा चटनी, जो गुड़ वाला होता है ना, आम का घिसुआ वाला, वो वाला जेली जैसा जो होता है, तो बस उसको मैं उसको भी बना लूँगी। तो हस्बैंड का भी हो जाएगा नाश्ता और मेरा भी हो जाएगा। और तो पिछले बार जो घिसुआ अचार बनाई थी ना आम का, तो धनबाद चली गई थी और बाहर ही धूप था, तो बाहर ही छोड़ करके अचार को चली गई थी। और आते आते इतने जोर की बारिश हुई ना कि अचार नीचे इतना सा और ऊपर से एक डब्बा पानी हो गया था, तो उसको मुझे फेंकना पड़ा। और फिर घर से लाई थी आम, तो यहाँ पे फिर ये घिसुआ अचार मैं बना रही हूँ। इस तरह से घिसुआ अचार बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अपनी वाली अचार होता है, मेरे बड़ा बेटे को बहुत पसंद है। तो जाऊंगी उसके पास तो ये ले करके जाऊंगी, तो इसीलिए ये बना रही हूँ। वैसे तो हम लोग अचार नहीं खाते हैं ज्यादा, पर फिर भी ये वाला अचार जो है ना, सो बहुत पसंद उसको। तो इसमें नमक, हल्दी और हरा मिर्चा डाल करके, और इसके बाद में अब डालूंगी इसमें मसाले। तो पहले इसको रात में ही इसमें हरा मिर्चा, नमक और हल्दी डाल करके रख दी, और इसको पूरे रात के लिए छोड़ दी। और अभी इसको थोड़ी देर के लिए धूप में डालूंगी और उसके बाद में फिर इसको हटा दूंगी, मतलब दो घंटे के लिए धूप में इसको डालूंगी, उसके बाद में हटा दूंगी। और रात में इसमें जो मसाले, तेल जो भी डालना रहेगा ना, वो सब मैं डालूंगी। तो इसको अभी मैं डाल देती हूँ धूप में। और थोड़ा सा मैं मीठा, इसी तरह से घिसुआ जो मीठा बनता है ना, जेली टाइप का आम का चटनी मीठा वाला, वो बनाऊंगी। और इस बार फर्स्ट बार यहाँ पे मैं देखी कि आम इस बार किसी का यहाँ पे नहीं हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ पर किसी का नहीं हुआ। शुरू शुरू में तो लगा कि मेरे यहाँ ही नहीं हो रहा है, पर बाद में देखी कि किसी के यहाँ नहीं हुआ, तो थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि चलो मेरा ही नहीं, और लोगों का है यहाँ भी आम नहीं हुई है, मतलब मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरे का भी नहीं होना चाहिए, होता है ना, ये इंसानियत फितरत है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी होता तो मिलता ही खाने के लिए, है ना। पर इस बार अब जैसे कि अगर बगल में क्या होता है, नाम होता है तो लोग भिजवा देते हैं, तो इस बार तो हुआ ही नहीं, इस बार तो बस खरीद करके ही खाना होगा। और मेरे यहाँ जब आम होता था, मैं रोड पे चलते हुए सबको बोलती थी कि आम पका हुआ है लीजिएगा, खाइएगा, चाहे वो दूध वाला हो या फिर कोई भी हो, तो जो रहा सो मैं दे देती थी। बस यहाँ पे मैं भुंजिया भी तैयार हो गया है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि स्लेब को साफ कर ले रही हूँ ताकि चीटी उटी ना लगे। और उसी कढ़ाई में मैं मीठा चटनी के लिए भी तेल डाल दी कढ़ाई में, और साथ में डाली 5 फोरन और सौंफ मैं डाली थोड़ा सा ज़्यादा करके, जीरा और सौंफ ज़्यादा करके डाली थी, मतलब कि चाय वाला चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब मैं सौंफ डाली, और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी डालूंगी बाद में। थोड़ी सी तेजपत्ता डाल दी, थोड़ी सी मैं मतलब कि मिर्च का थोड़ा सा पाउडर यहाँ पे डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दे रही हूँ, और इसमें डाल दे रही हूँ अब गुड़। बस ये गुड़ वाली चटनी ही बनाऊंगी, चीनी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि हस्बैंड मना किए हैं। और ये देखिए यम्मी सा चटनी तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा सॉल्ट मैं यहाँ पे ले ली और खाने में बहुत ही अच्छा हुआ था। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन अब निकला हुआ था ना, इसको मैं साफ कर ले रही हूँ, ताकि अभी क्या हो रहा है ना कि एक साथ दो घर का काम मुझे देखना पड़ रहा है, वहाँ भी जाती हूँ तो कुछ कुछ काम बिखरा हुआ रहता है, तो उसको भी मैं साफ करती हूँ, पर वहाँ का क्लिप मैं नहीं लेती, पर बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो वहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ पे अगर बिखरा हुआ रहे ना, तो और मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही थकान सी लगने लगती है वहाँ से लौटने के बाद। तो इसलिए सोचती हूँ कि ये सब काम को मैं हाथ के हाथ निपटा ही दूँ, जैसे कि स्लेब को साफ करने का रहा, गैस चूल्हा को साफ करने का रहा, उसके बाद में बर्तन को साफ करने का रहा, तो ये सब काम मैं करके ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे स्लेब भी साफ़ हो गया है और बर्तन को भी साफ़ कर ली, साथ में सिंक को भी साफ़ कर ली। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए।